अगला नेक्स्ट टॉपिक है, अगर मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम और कैंटिलीवर बीम दिया गया है और उस पर पॉइंट लोड और यूडीएल लगा हुआ है तो उनका क्या रिलेशन होगा। इतना इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है ये कि आपको आरसीसी के क्वेश्चन लगाते समय या सोम के क्वेश्चन लगाते समय हमेशा न्यूमेरिकल में इसका यूज होगा। अक्सर बच्चे हमेशा ये गलत कर जाते हैं। तो अलग अलग टाइप के लोड लगने पर और अलग अलग टाइप्स के बीम होने पे उनके मोमेंट का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। वो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग ध्यान से देखना, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। तो मैं काम करता हूँ, एक तरफ यहाँ लिख देता हूँ मोमेंट और दूसरी तरफ लिख देता हूँ शियर फोर्स। दोनों फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ और ये टेबल बना लेता हूँ एक। मोमेंट का फॉर्मूला भी और शियर फोर्स का फॉर्मूला भी। मोमेंट को चलिए हम एम से डिनोट कर देते हैं और शियर फोर्स को एफ से, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे पहले मैं बात करता हूं सिंपली सपोर्टेड बीम का। सिंपली सपोर्टेड बीम यानी शुद्धा लंबित धरण, इसे हिंदी में हम कह सकते हैं शुद्धा लंबित धरण, सिंपली सपोर्टेड बीम। जब सिंपली सपोर्टेड बीम पर पॉइंट लोड लगा हुआ हो, कैसा लोड, पॉइंट लोड लगा हुआ है। देखिए दो प्रकार का लोड यहाँ मैं चर्चा करूँगा, एक होता है आपका पॉइंट लोड और दूसरा होता है UDL। UDL का मतलब होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और यह है पॉइंट लोड। पॉइंट लोड का मतलब होता है एक ऐसा लोड जो किसी बीम के किसी एक पॉइंट पे एक्ट करता है, उसे बोलते हैं पॉइंट लोड। वो किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे लगा हुआ माना जाता है। पॉइंट का लोड का मतलब हिंदी में बोलते हैं बिंदु भार। बिंदु भार का मतलब है किसी एक बिंदु पे लगा हुआ है, किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, उसे कहेंगे पॉइंट लोड। दूसरा लोड होता है UDL। UDL का मतलब होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी बीम के उस पूरे लंबाई पर एक समान रूप से यूनिफॉर्म रूप से लोड डिस्ट्रीब्यूट है, लोड बटा हुआ है। यानी बीम के पूरे लंबाई पर एक समान रूप से एक यूनिफॉर्मली तरीके से लोड उस पर एक्ट कर रहा है, उसे बोलेंगे UDL। तो जब सिंपली सपोर्टेड बीम हो और उस पर पॉइंट लोड लगा हुआ है तब मोमेंट का फॉर्मूला हो जाता है आपका WL/4। क्या हो जाता है, WL/4। और इसका जो शियर फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शियर फोर्स हो जाएगा W/2। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं इस, अगर पॉइंट लोड ना लगा हुआ हो, UDL लगा हो, UDL मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तब मोमेंट हो जाएगा आपका M=WL²/8 और इसका शियर फोर्स हो जाएगा WL/2। अगर UDL लगा हुआ है सिंपली सपोर्टेड बीम पे तो मोमेंट हो जाएगा WL²/8 और शियर फोर्स हो जाएगा WL/2। इसी प्रकार अब जब कैंटिलीवर बीम अगर दिया गया है, कैंटिलीवर बीम को हिंदी में बोलते हैं प्रास धरण, प्रास धरण, और इसे बोलते हैं शुद्धा लंब धरण। सिंपली सपोर्टेड बीम को शुद्धा लंब और कैंटिलीवर बीम को प्रास धरण। अब जब कैंटिलीवर बीम पे पॉइंट लोड लगा हो तब इसका मोमेंट क्या हो जाएगा,
तब इसका मोमेंट हो जाएगा m इज इक्वल टू w इंटू एल, और शियर फोर्स क्या हो जाएगा, शियर फोर्स हो जाएगा w। जब यूडीएल लगा हो इस पे, जब कैंटिलीवर बीम पे यूडीएल लगा हुआ है, तब मोमेंट हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू, और इसका मोमेंट, इसका शियर फोर्स हो जाएगा डब्ल्यू इंटू एल। ये आठ फॉर्मूले हैं, ये आठों फॉर्मूले बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं और अक्सर बच्चे क्वेश्चन लगाते समय, न्यूमेरिकल लगाते समय गलत कर जाते हैं। ये आठ फॉर्मूले बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे हमेशा, चाहे सोम का क्वेश्चन लगाएंगे, स्टील स्ट्रक्चर लगाएंगे, आरसीसी लगाएंगे, अक्सर हमेशा आपको न्यूमेरिकल पोर्शन में इन फॉर्मूले का यूज कभी भी कहीं भी हो सकता है, तो आप इसको अच्छे से याद करेंगे। एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ, आप इन्हें भूल सकते हैं। जब ये आठ फॉर्मूले आप याद करोगे ना, तो आप लगभग कभी कभी हो सकता है कि आप भूल जाएं। तो मैं आज एक तरीका आपको बता रहा हूं कि आप भूलेंगे भी नहीं। ये फॉर्मूला बनाया कैसे गया है, हालांकि देखने में फॉर्मूले बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन आप क्या करोगे ना, एक दूसरे का, अब जैसे पॉइंट लोड का आपने याद किया है और यूडीएल वाले में आप लगा दोगे फॉर्मूला, आप भूल जाओगे कि ये फॉर्मूला पॉइंट लोड का है या यूडीएल का है, शियर फोर्स का है या मोमेंट का है। तो मैं इन फॉर्मूले को बनाया कैसे गया है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो फॉर्मूला बनाया गया है वो इनका फिगर भी बना दे रहा हूँ, किस केस के लिए बनाया गया है। जैसे पहला मैंने लिख दिया, सिंपली सपोर्टेड बीम पर जब पॉइंट लोड लगा हुआ है। तो देखिए, हमें पता है सिंपली सपोर्टेड बीम कैसा होता है, एक ऐसा बीम जो किसी दो सपोर्ट पे इंडिपेंडेंट रूप से रखी होती है, सिंपली सपोर्टेड बीम कहलाता है। तो ये हो गया आपका सिंपली सपोर्टेड बीम, और ये जो पॉइंट लोड लगा हुआ है वो पॉइंट लोड कहाँ लगा हुआ है, मिड पॉइंट पे लगा हुआ है, बीम के सेंटर पे लगा हुआ है। सेंटर पे हमने इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि हमने मैक्सिमम शियर फोर्स और मैक्सिमम मोमेंट का फॉर्मूला बनाए हुए हैं यहाँ पे। ये जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बनाया हुआ है, कैसा फॉर्मूला है, ये मैक्सिमम मोमेंट और मैक्सिमम शियर फोर्स का बनाया हुआ है। तो देखिए, ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, मान लीजिए इसकी पूरी लंबाई एल है और इसके मिड पॉइंट पे लोड लगा हुआ है, कौन सा लोड, पॉइंट लोड डब्ल्यू। इस फिगर के लिए ये फॉर्मूला बना हुआ है, समझ में आया आपको। अच्छा, इसी प्रकार यूडीएल के लिए, जब सिंपली सपोर्टेड बीम पर यूडीएल लगा हुआ हो, सिंपली सपोर्टेड बीम तो हम बना लेंगे ना, ऐसे होता है सिंपली सपोर्टेड बीम, और इस पर यूडीएल लगा दीजिए इस प्रकार से। यूडीएल देखिए क्या है, समान रूप से पूरे लंबाई पर आपका लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है, और जबकि पॉइंट लोड में क्या था कि किसी एक पॉइंट पे लगा हुआ था। तो यहाँ हम ऐसे इसको दिखा देते हैं कि मान लीजिए W न्यूटन का लोड लगा हुआ है और पर मीटर लगा हुआ है, और जब यहाँ पर पॉइंट लोड दिया जाएगा तो उसका यूनिट या तो न्यूटन होगा और या तो किलो न्यूटन होगा, लेकिन UDL का जो यूनिट रहेगा वो हमेशा पर मीटर लेंथ या पर यूनिट लेंथ लिखा रहेगा उसमें, जैसे W न्यूटन पर मीटर या W किलो न्यूटन पर मीटर, इस प्रकार से पर यूनिट लेंथ में इसका यूनिट लिखा होगा। सेकेंड नंबर है आपका कैंटिलीवर बीम जब पॉइंट लोड लगा हुआ है। तो कैंटिलीवर बीम क्या होता है, एक ऐसा बीम जिसका एक एंड पॉइंट फिक्स कर दिया जाए और सेकेंड वाला फ्री कर दिया जाए, उसे बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। और लोड कहाँ लगा हुआ है, हमेशा जो फ्री एंड है उसी पर लगा हुआ है आपका पॉइंट लोड, और इसकी लंबाई कितनी है, L। तो ये कैंटिलीवर बीम विथ पॉइंट लोड का फिगर है। अब कैंटिलीवर बीम विथ यूडीएल का फॉर कैसे बनाएंगे,
ये हो गया आपका कैंटिलीवर बीम और इसके पूरे लंबाई पर यूडीएल लगा हुआ है, डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर। तो देखिए सज्जनों, ये जो मैंने फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है मूमेंट और शियर फोर्स का, ये इनफिगर के लिए बना हुआ है और हम जनरली हमेशा यही यूज करते हैं, मैक्सिमम मोमेंट और मैक्सिमम शियर फोर्स का ही फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, आया समझ में सबको? चलिए अभी हम बात कर रहे थे आपसे कि ये फॉर्मूला बना कैसे है, तो वो मैं आपको बताता हूँ ये फॉर्मूला बना कैसे है। चलिए देखते हैं, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सिंपली सपोर्टेड बीम का। सिंपली सपोर्टेड बीम पर जब आपका पॉइंट लोड लगा हो, ठीक है, यह है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम और यह है इसका लंबाई कितना L, और मिड पॉइंट पे लगा हुआ है आपका पॉइंट लोड W, यानी ये लेंथ आपका हो जाएगा L बाई टू यहाँ तक और ये लेंथ भी हो जाएगा L बाई टू। ठीक है, ये मान लीजिए पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C है। जब सिंपली सपोर्टेड बीम पर पॉइंट लोड उसके मिड पॉइंट पे लगा हुआ है तो उसका फिगर हम कैसे बनाएंगे? बना दिया मैंने, आप देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ये W लोड लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, सपोर्ट है, तो इस W को बियर करने के लिए ये दोनों सपोर्ट क्या है, यहाँ सपोर्ट पर से क्या जनरेट होगा, रिएक्शन। अगर W लोड लगा हुआ है तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगा W बाई टू यहाँ से रिएक्शन होगा और W बाई टू रिएक्शन यहाँ से होगा। क्यों W बाई टू होगा? W बाई टू का मतलब है आधा W, W का आधा, यानी जो लोड यहाँ पर लगा हुआ है आधा रिएक्शन यहाँ पर आएगा उसका और आधा रिएक्शन यहाँ आएगा। आधा W और आधा W कितना हो जाएगा? एक W लोड हो जाएगा। ये दोनों सपोर्ट मिलकर के ये जो एक W का लोड लगा हुआ है उसको ये बियर कर रहा है। सिंपल सा तरीका है समझने का कि जब ऊपर से W लोड लगा हुआ है, मान लो ये आपका बीम है, ये हमने दो सपोर्ट पे रख दिया, इसे रख दिया, अब यहाँ से W लोड लगाया जाएगा तो इस लोड को कौन बियर करेगा? ये दोनों सपोर्ट। तो मान लीजिए W लोड लगा हुआ है तो ये दोनों रिएक्शन, यहाँ से जो रिएक्शन होगा कितना होगा? W का ही होगा। तो आधा W इस रिएक्शन इस सपोर्ट पे आ जाएगा और आधा W इस सपोर्ट पे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ का जो रिएक्शन होता है उसी को बोलते हैं शियर फोर्स। यहाँ का जो रिएक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं? शियर फोर्स। तो आपका एक फॉर्मूला बन गया कि जब सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पर पॉइंट लोड लगा हुआ है तब उसके शियर फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W बाई टू, है ना। अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से समझ के याद कर सकते हैं, समझ लीजिए बस, हो गया।
अब इसका मूवमेंट क्या हो जाएगा? मूवमेंट देखिए, एक मैं आप बहुत अच्छी चीज आपको बताऊं, सिंपली सपोर्टेड बीम पर इनके सपोर्ट पर शियर फोर्स मैक्सिमम होता है। देखिए हमने शियर फोर्स कहां पे निकाला है? सपोर्ट पे। तो सपोर्ट पे शियर फोर्स मैक्सिमम होता है और मिड पॉइंट पर मूवमेंट मैक्सिमम होता है। आई बात समझ में आपको? ठीक है, तो हम मूवमेंट कहां निकालेंगे? मिड पॉइंट पे। तो इस बीम के चाहे इधर की तरफ का मूवमेंट निकाल दीजिए और चाहे इधर का मूवमेंट निकाल दीजिए, मूवमेंट दोनों साइड इक्वल आएगा। तो मैं एक साइड का मूवमेंट निकाल देता हूं। चलिए, मूवमेंट बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब इस सी पॉइंट पर हम मूवमेंट निकालेंगे, अब देखिए हम केवल एक ही तरफ की चर्चा करेंगे, पूरे बीम को लेकर नहीं चलेंगे, केवल एक साइड लेकर चलेंगे। तो क्या हो जाएगा? देखिए, जब सी पॉइंट पे मूवमेंट लेंगे तो यहाँ पे लोड कितना है आपका? W बाई टू। तो फोर्स हो गया W बाई टू इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L बाई टू। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया? मूवमेंट। अब ये वाला जो लोड लगा हुआ है ये तो जीरो हो जाएगा यहाँ पर, इसकी हमें कोई चर्चा नहीं करना है। तो क्या बन गया फॉर्मूला आपका? डब्ल्यू एल बाई फोर। तो देखिए दोनों फॉर्मूला बन गया कि नहीं आपका। जब सिंपली सपोर्टेड बीम हो तो उस और उस पर पॉइंट लोड लगा हुआ है तो शियर फोर्स हो जाएगा डब्ल्यू बाई टू और उसका मोमेंट हो जाएगा डब्ल्यू एल बाई फोर। सबसे अच्छा, देखिए आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। एक चीज मैं आपसे कह सकता हूं कि देखिए सपोर्ट पे शियर फोर्स मैक्सिमम होता है और यहाँ सपोर्ट पर मूवमेंट जीरो होता है, मिड पॉइंट पर शियर फोर्स जीरो होता है और मूवमेंट मैक्सिमम होता है। अक्सर जेई के क्वेश्चन में ये सब आ जाता है, जेई एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, एक बार मैं फिर से रिपीट करूँगा कि सपोर्ट पर शियर फोर्स मैक्सिमम होता है और बेंडिंग मूवमेंट जीरो होता है, मिड पॉइंट पर शियर फोर्स जीरो होता है और बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। चलिए अगला फॉर्मूले की तरफ चलते हैं हम। जब सिंपली सपोर्टेड दिया गया हो, सिंपली सपोर्टेड बीम के साथ आपका यूडीएल लगा हो, ये हो गया आपका W न्यूटन पर मीटर और ये टोटल लेंथ है आपका L। ये मान लो पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अब यहाँ पर रिएक्शन कितना आएगा वो समझिए आप। देखिए यहाँ पर W न्यूटन पर मीटर का लोड लगा हुआ है, ठीक है, तो टोटल लोड कितना हो जाएगा? W न्यूटन पर मीटर में लगा हुआ है, यानी एक मीटर में लगा हुआ है W न्यूटन का लोड, तो टोटल लेंथ कितना है? L। तो टोटल लोड कितना हो जाएगा? W इंटू L। आई बात समझ में? देखिए W न्यूटन पर मीटर का मतलब होता है कि पर मीटर लेंथ जो आपका लोड लगा हुआ है वो W लगा हुआ है। पर मीटर लेंथ कितना लगा हुआ है? W लगा हुआ है। तो पूरे L लेंथ में कितना लोड लग जाएगा? W इंटू L। तो हम कह सकते हैं कि इस बीम पर टोटल लोड कितना है? डब्ल्यू एल। तो इस पर रिएक्शन कितना होगा? डब्ल्यू एल बाई टू यहां पर आ जाएगा और डब्ल्यू एल बाई टू यहां पे हो जाएगा, यानी आधा डब्ल्यू एल ये सपोर्ट बियर करेगा और आधा डब्ल्यू एल ये वाला सपोर्ट करेगा। तो हमारा देखो फॉर्मूला बन गया किसका? शियर फोर्स का। मैंने आपको बताया जितना रिएक्शन होगा वही शियर फोर्स का फॉर्मूला बन जाता है। तो शियर फोर्स हो गया आपका डब्ल्यू एल बाई टू। ठीक है, अब चलिए मोमेंट निकालते हैं।
मैंने अभी आपको बताया ना कि मोमेंट मैक्सिमम कहाँ होता है सिंपली सपोर्टेड बीम में, मिड पॉइंट पे होता है, सी पॉइंट पे। अब हमें सी पर मोमेंट लेना है। जब हम सी पे मोमेंट लेंगे ना तो केवल एक तरफ का मोमेंट लेंगे, पूरे बीम का लेके नहीं चलेंगे। तो मोमेंट सी पे लीजिए, क्या हो जाएगा देखिए। अब हम यहाँ सी पे मोमेंट लेंगे, ध्यान से देखिएगा आप। एक काम करते हैं, अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो प्लस ले लीजिए, और क्लॉकवाइज रोटेट करे तो माइनस। यहाँ पर देखिए, जब हम सी पे मूवमेंट लिए थे ना तो डब्ल्यू बाई टू जो था आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया था, इसे मैंने प्लस में ही लिया था। क्योंकि अब यहाँ पर मैंने चर्चा इसलिए नहीं किया क्योंकि दूसरा कोई लोड था ही नहीं जो क्लॉकवाइज रोटेट करे, केवल एक ही लोड था। लेकिन यहाँ पर देखिए, दो लोड आपको मिलेंगे, एक क्लॉकवाइज भी और एक एंटी क्लॉकवाइज भी, ठीक है। तो मूवमेंट क्या हो जाएगा आपका, जब हम सी पॉइंट पे मूवमेंट लेंगे, ध्यान से देखिए आप। एक लोड तो आपका ये हो गया डब्ल्यू एल बाई टू, डब्ल्यू एल बाई टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना है एल बाई टू, है कि नहीं। तो डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एल बाई टू, ये हो गया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये मोमेंट आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, इसलिए इसे हम प्लस में लेंगे। अब देखिए, यहां से लेके यहां तक का जो यूडीएल है ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो इसे माइनस में ले लेंगे। तो पहले आप लेंगे लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहां से लेके यहां तक का लोड कितना है, देखिए डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर में लगा हुआ है, और यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना है L बाई टू। तो ये तो लोड हो गया हमारा, यहां और यहां के बीच क्या हो गया, ये W L बाई टू क्या हो गया, लोड। कैसे लोड हुआ फिर से एक बार देखिए, W न्यूटन पर मीटर में लगा हुआ है और ये लेंथ कितना है L बाई टू। तो जब W न्यूटन एक मीटर में लगा है तो L बाई टू में कितना हो जाएगा, W L बाई टू इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना लेंगे, इसके इसके सेंटर से डिस्टेंस लेंगे। जब भी यूडीएल का मूवमेंट लेते हैं ना तो पहले यूडीएल को हम चेंज कर लेते हैं पॉइंट लोड में, यानी जितने लेंथ में लगा होता है आपका यूडीएल उस लेंथ का मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाता है और वो सेंटर पे एक्ट करने लगता है। तो जो डिस्टेंस लेते हैं वो सेंटर से ही डिस्टेंस लेते हैं। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पूरा L बाई टू है, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा L बाई फोर, क्या हो जाएगा L बाई फोर। भाई L बाई टू का हाफ कितना हो जाएगा, L बाई फोर ही तो होगा। तो ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई फोर माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट, एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट। ये फॉर्मूला हो गया आपका, जब सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पर यूडीएल लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट। शायद ये आपको नहीं दिख रहा है नीचे का, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसका। देखिए इसको मैं और सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ आपको। m इज इक्वल टू एट और चार का एलसीएम क्या हो जाएगा एट, चार दूना आठ दो आ जाएगा, टू का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा टू डब्ल्यू एल स्क्वायर माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर। एम इज इक्वल टू टू डब्ल्यू एल स्क्वायर में से एक डब्ल्यू एल स्क्वायर माइनस करेंगे तो डब्ल्यू एल स्क्वायर आएगा बाई एट। तो देखिए आपको मैंने चार फॉर्मूले बता दिया सिंपली सपोर्टेड के, जब पॉइंट लोड लगा हुआ है तो शियर फोर्स डब्ल्यू बाई टू और मोमेंट डब्ल्यू एल बाई फोर, जब सिंपली सपोर्टेड में यूडीएल लगा हुआ है तो शियर फोर्स डब्ल्यू एल बाई टू और उसका मोमेंट डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट। इसी प्रकार अब हम कैंटिलीवर बीम का फॉर्मूला आपको बता देते हैं।
कैंटिलीवर बीम पे जब पॉइंट लोड लगा हो, ये है आपका कैंटिलीवर बीम और इस पे पॉइंट लोड कहाँ पे लगा हुआ है, फ्री एंड पे W। इसकी लेंथ कितनी है, L। तो देखिए इसका शियर फोर्स कितना हो जाएगा, अगर इस बीम पर W लोड लगा हुआ है तो इसके सपोर्ट पे कितना रिएक्शन होगा, W ही तो होगा, तो शियर फोर्स क्या हो गया, W। इसका मोमेंट क्या हो जाएगा, कैंटिलीवर बीम में जो फिक्स एंड होता है वहां पर मोमेंट सबसे मैक्सिमम होता है और शियर फोर्स भी यहां पर मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो यहां पे मोमेंट जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स W इंटू डिस्टेंस L, W इंटू L, दोनों फॉर्मूले बन गए। इसी प्रकार जब कैंटिलीवर बीम पर UDL लगा हो अब क्या हो जाएगा, देखिए अब इस बीम पे टोटल लोड कितना लगा हुआ है, W न्यूटन पर मीटर में लगा हुआ है और पूरी लेंथ कितनी है, L। तो टोटल लोड कितना हो जाएगा, W इंटू L। जब बीम पे पूरा लोड W इंटू L है तो रिएक्शन कितना होगा, यहाँ पे W इंटू L होगा, तो शियर फोर्स क्या हो जाएगा, शियर फोर्स हो जाएगा W इंटू L और इसका मोमेंट क्या हो जाएगा, मोमेंट कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पे मोमेंट लेंगे आप तो पहले टोटल लोड में चेंज कर लीजिए इसे, W न्यूटन पर मीटर में लगा हुआ है, टोटल लोड कितना है आपका, W इंटू L, ये हो गया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस कहां से लेंगे, इसके इसके सेंटर से डिस्टेंस लेंगे आप, L बाई टू है ये, तो इंटू L बाई टू, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू। तो आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे तरीके से उसे याद कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो आप इस वीडियो को खूब लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ओके। चलिए फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, जय हिंद जय भारत।